हेलो स्टूडेंट्स, आई एम खुशी जैन, योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, प्री नंबर कॉन्सेप्ट्स। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। प्री नंबर कॉन्सेप्ट्स, हम पहले वार्म अप देखते हैं। लुक अप, लुक डाउन, लुक ऑल अराउंड एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सो अब यहाँ पे हमें एक इमेज दी हुई है, एक पिक्चर दी हुई है क्लासरूम की, जिसमें कुछ स्टूडेंट्स बैठे हैं एंड टीचर यहाँ पे पढ़ा रही है। इस तरीके से आपको क्लासरूम में ऊपर देखना है, डाउन देखना है, सारे में आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है सारी चीज, और इन क्वेश्चंस के आपको आंसर देना है। व्हाट डू यू सी इनसाइड द क्लास? क्लास के अंदर आप क्या देखते हो? क्लास के अंदर आपको क्या दिखता है? आपको स्टूडेंट्स दिखते हैं, टीचर दिखते हैं, टेबल, बेंच, चेयर, फैन, ब्लैक बोर्ड। ये सारी चीजें आपको क्लास के अंदर दिखती हैं। वॉट डू यू सी आउटसाइड द क्लास? क्लास के बाहर आपको क्या दिखता है? क्लास के बाहर आपको प्ले ग्राउंड दिखता है, आपको ट्रीज दिखते हैं, आपको बर्ड्स दिखती हैं। ये सारी चीजें आपको इस तरीके से अपना क्लासरूम को ऑब्जर्व करना है और इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। अंडरस्टैंडिंग स्पेशल रिलेशनशिप्स। द स्पेशल रिलेशनशिप्स हेल्प अस टू डिस्क्राइब द पोजिशंस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स डिफरेंटली इन रिलेशन टू वन अनदर। अब यहाँ पे हम कुछ स्पेशल रिलेशनशिप्स के बारे में समझेंगे। वो क्या होता है? इसका मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच जो बीच में पोजीशन, दो ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम समझेंगे। उन दोनों ऑब्जेक्ट को आपस में रिलेट करने को हम समझेंगे। से टॉप बॉटम। ऑब्जर्व द फिगर गिवन अलोंग साइड। हेयर अ बर्ड इज ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, द रैबिट इज एट द बॉटम ऑफ द ट्री। तो यहाँ पे ये जो हमें इमेज दी है राइट साइड पे, इस इमेज को हमें ऑब्जर्व करना है। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? अ बर्ड इज ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, मतलब एक ट्री है ये, जो इस ट्री के ऊपर बर्ड बैठी है, इसको हम बोलेंगे ऑन द टॉप ऑफ द ट्री। ट्री के टॉप पर बैठी है बर्ड। द रैबिट इज एट द बॉटम ऑफ द ट्री। तो जो हमें रैबिट दिख रहा है वो रैबिट कहाँ पे है? वो ट्री के बॉटम में है, मतलब ट्री से नीचे है। लेफ्ट राइट। ऑब्जर्व द गिवन फिगर अलोंग साइड। अ टाइगर इज एट द लेफ्ट ऑफ द ट्री, अ जेब्रा इज एट द राइट ऑफ द ट्री। तो अब जो हमें ये फिगर दी है इसको हम ऑब्जर्व करेंगे। इसमें हमें क्या दिख रहा है? एक टाइगर है, एक ट्री है एंड एक जेब्रा है। टाइगर की पोजिशन क्या है? टाइगर की पोजिशन ट्री के लेफ्ट साइड में है। जेब्रा की पोजिशन क्या है? जेब्रा की पोजिशन ट्री के राइट साइड में है। ऑन अंडर। ऑब्जर्व द फिगर गिवन अलोंग साइड। द गर्ल इज सिटिंग ऑन द चेयर, द कैट इज सिटिंग अंडर द चेयर। अब यहाँ पे इस फिगर को ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें हमें क्या दिख रहा है? इसमें हमें एक चेयर दिख रही है, एक गर्ल और एक कैट दिख रही है। इसे हम ऑब्जर्व करेंगे। गर्ल हमें कहाँ दिख रही है? वो चेयर के ऊपर बैठी है, तो हम उसको बोलेंगे ऑन द चेयर। कैट हमें चेयर के नीचे दिख रही है, तो हम बोलेंगे अंडर द चेयर। ओवर अंडर। ऑब्जर्व द फिगर गिवन अलोंग साइड। हेयर अ कार वेंट ओवर द ब्रिज, अ ट्रेन वेंट अंडर द ब्रिज। अब इस फिगर को ऑब्जर्व करेंगे, इसमें हमें क्या दिख रहा है? हमें एक कार दिख रही है, एक ब्रिज दिख रहा है और एक ट्रेन दिख रही है। कार कहाँ है? कार ब्रिज के ऊपर से जा रही है, उसको हम बोलेंगे कार वेंट ओवर द ब्रिज, ब्रिज के ऊपर से वो मूव कर रही है। ट्रेन वेंट अंडर द ब्रिज, ट्रेन ब्रिज के नीचे से मूव कर रही है, हम उसको बोलेंगे अंडर द ब्रिज। इनसाइड आउटसाइड। ऑब्जर्व द फिगर गिवन अलोंग साइड। हेयर अ गर्ल इज स्टैंडिंग इनसाइड द हाउस, अ बॉय इज स्टैंडिंग आउटसाइड द हाउस। अब इस फिगर में हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? इसमें हमें एक बॉय दिख रहा है, एक हाउस है एंड एक गर्ल है। गर्ल हमें कहाँ दिख रही है? गर्ल हाउस के अंदर है, तो हम बोलेंगे इनसाइड द हाउस। बॉय कहाँ है? बॉय हाउस के बाहर है, तो हम बोलेंगे आउटसाइड द हाउस। बिहाइंड फ्रंट। ऑब्जर्व द गिवन फिगर अलोंग साइड। हेयर द काउ इज इन फ्रंट ऑफ द हाउस, द ट्री इज बिहाइंड द हाउस। इस फिगर में हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? इसमें हमें एक काउ दिख रही है, ट्री दिख रहा है और एक हाउस दिख रहा है। काउ की पोजीशन कहाँ है? काउ कहाँ बैठी है? काउ हाउस के आगे बैठी है, तो हम बोलेंगे इन फ्रंट ऑफ द हाउस, मतलब आगे बैठी है।
ट्री की पोजीशन कहाँ है? ट्री की पोजीशन हाउस के पीछे है, तब बिहाइंड द हाउस, बिफोर आफ्टर. ऑब्जर्व द फिगर गिवन अलोंग साइड. द एलिफेंट इज रनिंग आफ्टर द जिराफ. द लायन इज रनिंग बिफोर द जिराफ. इस फिगर को हम ऑब्जर्व करेंगे, इसमें हमें एलिफेंट दिख रहा है, लायन दिख रहा है एंड जिराफ दिख रहा है. सो एलिफेंट की पोजीशन क्या है? एलिफेंट जिराफ के पीछे है, वो रन कर रहा है. सो एलिफेंट इज रनिंग आफ्टर द जिराफ, वो जिराफ के पीछे भाग रहा है. लायन इज रनिंग बिफोर द जिराफ, लायन कहाँ रन कर रहा है? वो जिराफ से पहले रन कर रहा है. सो पहले के लिए हम बिफोर लगाते हैं और बाद में या उसके आगे के लिए हम आफ्टर लगाते हैं. नियर फार. ऑब्जर्व द फिगर गिवन अलोंग साइड. द कैट इज नियर द बोल. द डॉग इज फार फ्रॉम द बोल. तो इस फिगर में हमें क्या दिख रहा है? इसमें हमें एक कैट दिख रही है, एक बोल दिख रहा है और एक डॉग दिख रहा है. कैट जो है वो बोल के बहुत पास है, तो हम बोलते हैं नियर द बोल. पास मतलब नियर. डॉग इज फार फ्रॉम द बोल. डॉग की पोजिशन कहाँ है? वो बोल से काफी दूर है, दूर के लिए हम फार बोलते हैं. अबव बिलो. ऑब्जर्व द फिगर गिवन अलोंग साइड. हेयर. अ बॉटल इज लाइंग अबव द बैग. अ बैग इज लाइंग बिलो द बॉटल. तो इस फिगर को ऑब्जर्व करेंगे, इसमें हमें क्या दिख रहा है? एक बॉटल और एक बैग. तो बॉटल कहाँ है? बॉटल की पोजिशन क्या है? बॉटल बैग के ऊपर है, यानी अबव है. बैग की पोजिशन क्या है? बैग बॉटल से नीचे है, मतलब बिलो है. अप डाउन. ऑब्जर्व द फिगर गिवन अलोंग साइड. हेयर. अ बॉय इज गोइंग अप द स्टेयर्स. अ गर्ल इज गोइंग डाउन द स्टेयर्स. इस फिगर में हमें क्या दिख रहा है? इसमें एक बॉय है और एक गर्ल है. तो हमें क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं हम इसमें, कि जो बॉय है वो स्टेयर्स पे ऊपर चढ़ रहा है. सो बॉय इज गोइंग अप द स्टेयर्स, वो अपसाइड मूव कर रहा है. गर्ल क्या कर रही है? गर्ल स्टेयर्स से नीचे आ रही है. सो गर्ल डाउन साइड मूव कर रही है, तो डाउन द स्टेयर्स. अब हम इसके कुछ एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस करते हैं. चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स. में अपना करेक्ट वर्ड चूज करना है और इसको फिल करना है. साइड में फिगर दिए, उस फिगर से उसको ऑब्जर्व करेंगे और यहाँ पे फिल करेंगे. द पॉट इज लाइंग डैश द टेबल. पॉट कहाँ है? पॉट टेबल के अंडर है या ऑन है? पॉट टेबल के ऊपर है, ऑन द टेबल. सो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑन द टेबल. द टॉय इज लाइंग डैश द टेबल. टॉय कहाँ है? टॉय हमें दिख रहा है वो टेबल के नीचे है, तो अंडर द टेबल. द मंकी इज जंपिंग डैश द फेंस. मंकी कहाँ जंप कर रहा है? फेंस के ओवर जंप कर रहा है, ऊपर से जंप कर रहा है, तो ओवर द फेंस. द कैट इज मूविंग डैश द फेंस. कैट कहाँ मूव कर रही है? कैट फेंस के नीचे से मूव कर रही है, तो अंडर द फेंस. द बॉय इज स्लाइडिंग डैश. बॉय कहाँ स्लाइड कर रहा है? इस स्विंग पे बॉय कहाँ स्लाइड कर रहा है? वो डाउनवर्ड स्लाइड कर रहा है, तो बॉय इज स्लाइडिंग डाउन. द गर्ल इज गोइंग डैश. गर्ल कहाँ जा रही है? वो ऊपर जा रही है, गर्ल इज गोइंग अप. सो ये चैप्टर हमारा यहाँ फिनिश हो गया है. हमने यहाँ पे कुछ प्री नंबर कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने इन सारे वर्ड्स का मीनिंग हमने समझा, उनको किस तरीके से यूज करते हैं ये हमने समझा. आई होप आपको ये समझ आया होगा. आप इसको अच्छे से रीड करो, इसकी एक्सरसाइजेस ट्राई करो. हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.